अभी तो रूम साफ किया था, अब इसे फिर से साफ करना होगा। आपको अपनी दवाई वक्त पर लेनी चाहिए। उस दवाई से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला बेवकूफ लड़के। पर मैंने वो खास आपके लिए बनाई है, उससे आपका दर्द थोड़ा ही सही पर कम हो जाएगा। हाथों में जलन हो रही है, मैंने सोचा नहीं था मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ होगी। अब आप सारू टोबी से भिड़ेंगे तो यही होगा ना, ये थर्ड होकागे का आखिरी कोर्स था। बकवास बंद करो लड़के, ये बताओ तुम्हें उसका पता चला जो मुझे चाहिए। हाँ, वो तांजाकु टाउन नाम की एक जगह में मौजूद है। तांजाकु टाउन, बहुत अच्छे। आप ये भूल रहे हैं, आपका सामना एक लेजेंडरी सानिन से होगा, उनसे जीतना आसान नहीं होगा। सबसे अच्छी दवाई हमेशा कड़वी ही होती है। इसे गौर से देखो। ये तो वही निशान है, लेकिन इससे मुझे क्या मदद मिलेगी? हाँ, तुम एकेडमी में कब? फोकल पॉइंट, द मार्क ऑफ द लीफ। मुझे नहीं लगता ये ढंग से हुआ है, इसे फटना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट। जरा सुनिए, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? नहीं, आज तक इन्हें कभी नहीं देखा। ठीक है, माफ करना मैंने आपको परेशान किया। मुझे पता है तुम किसके बारे में पूछ रहे हो। और मुझे ये भी पता है कि वो इस वक्त कहाँ है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर सकता हूँ? उसकी कोई जरूरत नहीं, अभी कुछ वक्त पहले मैंने बहुत सारे पैसे जीते हैं उस लेडी की वजह से। तुम सच में लेजेंडरी लूजर हो। वो इस बार फिर से हार गई है ना, मुझे लगा ही था। वो लगातार हारती ही जा रही थी, तो इसीलिए वो किसी और जगह चली गई। कहाँ गई वो? तांजाकु टाउन, सुनाडे, लेजेंडरी सानिन, वो उन दीवारों के पीछे ही कहीं छिपी है। आखिरकार मेरे दोनों हाथ ठीक हो जाएंगे। उसका इलाज भले ही अच्छा होगा, पर वो इतनी आसानी से आपकी मदद नहीं करेगी। उसकी चिंता मत करो। क्या बात है लेडी? हाँ, आप सच में कमाल हो। काश मैं भी इतना लकी होता। आज तो हम पर पैसों की बरसात हो रही है। मैं कभी इतना नहीं जीती, जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। मुझे लेडी सुनारे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है,
क्योंकि मैं कभी मेडिकल कॉर्प्स का मेंबर जो था वो पहली थी जिन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा था जो अब नियम बन चुका है कि हर स्क्वाड में एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होना चाहिए। एक सिंपल आइडिया, लेकिन वो आइडिया कमाल का था। अगर लड़ाई के दौरान स्क्वाड में कोई घायल हो जाए और उसे इलाज ना मिल पाए तब क्या होगा? उन्होंने इस सवाल का जवाब बखूबी दे दिया। कई सालों तक लड़ते रहने के बाद निंजास को जंग की आदत पड़ने लग गई थी। उन सबकी कुर्बानी के बाद ही उस नए नियम को लागू किया गया। किसी भी चीज की अहमियत हमें सिर्फ तभी समझ आती है जब हम उस चीज को खो देते हैं। ये शानदार आइडिया जिसे एक लेजेंडरी सानिन ने पेश किया था, ये आइडिया उसे तब आया था जब उसने किसी अपने को खो दिया था। कुछ फायदा नहीं हुआ, मुझे और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा। कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट करो सिर्फ एक पॉइंट पर। अरे कॉन्सेंट्रेट कैसे करो, छिछोरे बाबा का अजीब सा चेहरा बार बार सामने आ रहा है। याचू! लगता है कोई सुंदर लड़की मेरी तारीफ कर रही है। मैं इतना हैंडसम जो हूँ, मैं क्या करूँ? लेडी सुनाडे, प्लीज आप रुकिए तो सही। आखिर बात क्या है? आपने तो पहली बार इतने सारे पैसे जीते हैं, पर आप तो जरा भी खुश नहीं लग रही। ये शहर, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। चलो यहाँ से जल्दी निकले। क्या? पर अभी तक हम यहाँ घूमे भी नहीं। हमने यहाँ का अभी तक वो मशहूर कासल भी नहीं देखा। उसे बाहर से देख लो, हम फिर यहाँ से निकल जाएंगे। पर लेडी सुनाडे, लॉर्ड ओरोची मारो। चलो जल्दी से इस काम को पूरा कर दो, चाहे जितना भी जोर लगाना पड़े ये काम होना ही चाहिए। मुझे ये करना होगा। मैंने इतना चक्र यूज कर लिया, क्या मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं? लगता है इसका चक्र खत्म होने ही वाला है। मुझे बस अपने लिए एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी भी अच्छे शिनोबी नहीं बन पाओगे। सॉरी, पर डेस्क पे बैठे बैठे मुझे खुजली होने लगती है, और अकामारू को भी। मुझे भूख लगी है। सेंसे, आपका लेक्चर हो गया तो हम जाएं। ये तुम्हें लेक्चर लगता है? हाँ, बस बहुत हुआ। आज से तुम चारों स्कूल के बाद अपने कॉन्सेंट्रेशन करने पर काम करोगे। माथे पे ये पत्ती क्यों? तुम चारों हिडन लीफ विलेज के एक सालों पुराने ट्रेडिशन का हिस्सा बनने वाले हो, जिससे दिमाग तेज होता है। अपने माथे पर लगी पत्ती पर अपनी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करके तुम अपना चक्र बिल्ड करना सीखोगे। ये बहुत प्राचीन तरीका है। उस लीफ पर फोकस करोगे तो कोई चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। जिस निंजा का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है वही महान कहलाता है। इस तरीके से ही हमारे गांव का ये लीफ सिंबल बना था। बंद कीजिए, आप ये कहानी इसलिए तो नहीं बना रहे ताकि आप हमसे काम करवा सके? नहीं, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा, ये सब सच है। पर हम बस अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा कर ही महान निंजा नहीं बन सकते। सबको पता है कि महान निंजा बनने के लिए स्ट्रांग होना जरूरी है। इसकी बात में दम है, इससे कौन स्ट्रांग बनेगा? बाद में मिलते हैं सेंसे। वापस आओ सब के सब। हम तो चले, बाद में मिलते हैं। सॉरी, तुम चमगादड़ों को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसका भी वही कॉन्सेप्ट है,
जब इरुका सेंसे हमें समझा रहे थे तब मुझे ध्यान देना चाहिए था। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। ऑलराइट, कुछ भी हो जाए मैं ये करके ही रहूंगा। कॉन्सेंट्रेट। तांजाकु कासल सच में कितना बड़ा और खूबसूरत है, इसीलिए ये कासल इस छोटे से टाउन की शान है। उसे निहारना बंद करो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। पर क्या आप कासल को देखना नहीं चाहती? जरा देखिए ये कितना शानदार और सुंदर है। लेडी सुना दे, मुझे यहाँ इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? ये लड़का वाकई बहुत अलग है। इसका चक्र इतना स्ट्रॉन्ग था कि उससे इसका हाथ चल गया। एक के बाद एक सरप्राइज। देखा आपने, मैंने वो कर लिया। बहुत अच्छे, तुमने जुत्सु का दूसरा स्टेप भी सीख लिया है। तो बताइए तीसरे स्टेप में क्या करना है? उसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा, अभी हमें जाकर सुनाडे से मिलना है। ओरोची मारो।